गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो ये हमारा हिस्ट्री का सेकंड वीडियो है और आज का टॉपिक है वैदिक एज, यानी कि वैदिक काल। और आज के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि जो PYQs हम डिस्कस करने वाले हैं, वो सारे वैदिक काल के ऊपर ही होंगे। एंड अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि एक एक क्वेश्चन के साथ हम उससे जुड़े सारे फैक्ट्स डिस्कस करते हैं और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हम उनको भी देखते हैं। बट इस वीडियो में थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि हमें ज़्यादा फैक्ट्स नहीं मिले हैं, ज़्यादा हम क्वेश्चंस के फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड हिस्ट्री हम लोग वीक में एक दिन अपलोड किया करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स एज पर वैदिक थ्योरी। वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है। द क्षत्रिय और वॉरियर रूलर्स केम फ्रॉम पुरुषाज आर्म्स। क्षत्रिय या योद्धा शासकों की उत्पत्ति पुरुष की बाह से हुई थी। द वैश्याज और द कॉमनर्स केम फ्रॉम पुरुषाज थाइज। वैश्य या फिर आम लोगों की उत्पत्ति पुरुष की जांघों से हुई थी। द ब्राह्मण्स और द प्रीस्ट्स केम फ्रॉम पुरुषाज ईयर्स। ब्राह्मण या पुजारियों की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई थी। या फिर द शूद्रास और लेबरर्स एंड सर्वेंट्स केम फ्रॉम पुरुषाज फीट। शूद्र या श्रमिकों तथा नौकरों की उत्पत्ति पुरुष के पैरों से हुई थी। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो, यानी कि जो हमारा हिस्ट्री के ऊपर फर्स्ट क्लास था, उसको अगर आप देखे होंगे तो ये आंसर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। इसमें गलत दिया गया है ऑप्शन सी, क्योंकि ब्राह्मण या पुजारियों की उत्पत्ति पुरुष के कानों से नहीं हुई थी। कहाँ से हुई थी? पुरुष के मुख से हुई थी। ब्राह्मणों की उत्पत्ति पुरुष के मुख से हुई थी। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है वैदिक एज, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग वैदिक एज के बारे में ही थोड़े बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी। वैदिक सभ्यता जो दो भागों में विभाजित है, वैदिक सभ्यता दो भागों में कौन कौन से? ऋग्वैदिक काल एंड नेक्स्ट इज उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का पीरियड माना जाता है 1500 से 1000 BC, यानी कि ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड माना जाता है 1000 से 600 BC तक। ऋग्वैदिक काल में एक ही वेद लिखा गया था एंड दैट इज़ ऋग्वेद, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। और बाकी तीनों वेद उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय था वो था पशुपालन, और उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय था कृषि। पशुपालन भी वे लोग करते थे बट उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय था कृषि, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द वेदांगाज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट्स रिचुअल। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। अनुष्ठान, ये भी हम लोग पिछली क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अनुष्ठान दर्शाता है छंद। जो 6 वेदांग हैं उनमें से जो छंद वेदांग है वो अनुष्ठान को दर्शाता है, और वही हम एक बार फिर से इसमें भी पढ़ने वाले हैं। 6 वेदांग, 6 वेदांग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, जिसमें फर्स्ट है शिक्षा। शिक्षा को वेदांगों का नाक कहा जाता है, जिसमें वेद मंत्रों के उच्चारण की विधि बताई हुई है। नेक्स्ट इज कल्प, कल्प को वेदांगों का हाथ कहा जाता है, और हाथ से हम क्या करते हैं? वैदिक कर्म कांड करते हैं। तो कल्प से याद रखेंगे हाथ, और हाथ से कर्म कांड। वैदिक कर्म कांडों की व्याख्या है कल्प में। व्याकरण, व्याकरण जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए इसको वेदांगों का मुख कहा जाता है। और व्याकरण में क्या होता है? किसी भी भाषा का अच्छी तरीके से विश्लेषण होता है। तो व्याकरण वेदांगों के व्याकरण में भी वही है, वैदिक भाषा के अंग प्रत्यंगों का विश्लेषण। नेक्स्ट इज निरुक्त, निरुक्त को वेदांगों का कान कहा जाता है, और कान से याद रखेंगे वोकैबुलरी। निरुक्त में क्या लिखा है? वैदिक शब्दों में प्रयुक्त कठिन शब्दों की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति मतलब शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है। नेक्स्ट इज छंद, छंद को वेदांगों का पैर कहा जाता है, वैदिक मंत्रों के लिए प्रयुक्त छंद इसमें लिखे हुए हैं। एंड लास्ट इज ज्योतिष, ज्योतिष को वेदांगों का आँख कहा जाता है, जिसमें सिंपली ज्योतिष शास्त्र लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज नोन एज पुरुषणी। निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में पुरुषणी के नाम से जाना जाता था। तो पुरुषणी के नाम से जाना जाता था रावी नदी को।
रावी, दैट वॉज कॉल्ड परशुनी। इसका एक और प्राचीन नाम है, वो है इरावती। रावी को इरावती भी कहा जाता था। चेनाब को अस्किनी कहा जाता था। सतलुज को शतुद्री कहा जाता था। ब्यास को विपाशा कहा जाता था। सतलुज और शतुद्री, इसमें तो फर्स्ट साउंड सेम है, ये याद रखना आसान है, और व्यास भी याद रखना आसान है। व्यास को विपाशा कहा जाता था। एंड रावी और चेनाब को अच्छे से दो तीन बार पढ़ लीजिए, ये भी याद हो जाएगा। रावी को परुषणी और चेनाब को अस्किनी कहा जाता था। और एक झेलम, झेलम को वितास्ता कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट, द वर्ड्स सत्यमेव जयते ऑन द स्टेट एम्ब्लेम हैज़ बिन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। राजकीय प्रतीक पर शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते ये लिया गया है मुंडका उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से, ठीक है। नेक्स्ट, एट वन स्टेज इन द वैदिक एज द किंग वॉज कॉल्ड गोपति विच मेंट। वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ डैश है। गोपति, तो इसको समझना आसान है। ऑप्शंस को देखते हैं। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी। लॉर्ड ऑफ द पीपल, लोगों का स्वामी। लॉर्ड ऑफ द लैंड, भूमि का स्वामी। या फिर लॉर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का स्वामी। गो वर्ड यूज किया जाता है गाय के लिए, तो इससे याद रखना आसान है। गोपति का मतलब होता है मवेशियों का स्वामी। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स और मंत्रास आर नोन एज। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को डैस के नाम से जाना जाता है। ज्ञाता, बाली, संहिता या फिर विधाता। तो वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है, संहिता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउंटेड अंडर सब वेदास। निम्नलिखित में से कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं आता? उपवेद कौन सा नहीं है? आयुर्वेद या फिर यजुर्वेद या फिर गंधर्व वेद या फिर शिल्प वेद। जैसे कि हम जानते हैं यजुर्वेद उपवेद नहीं है। यजुर्वेद क्या है? चार मुख्य जो वेद हैं ये वेदों में आता है, और ये सेकंड वेद है। फर्स्ट वेद कौन सा है? जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद, और सबसे लास्ट वाला है अथर्ववेद। नेक्स्ट, व्हाट वाज द प्लग नोन एज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? सतमना, निष्क, सिरा या फिर सीता। तो हल को कहा जाता था सिरा, हल को सिरा कहा जाता था। सतमना कहा जाता था सिक्के को। निष्क कहा जाता था गले का, मतलब गले के आभूषण को, जिसे हम हार कहते हैं, हार को निष्क कहा जाता था। और सीता कहा जाता था हल से बनी नालियाँ। हल से बहुत सारी नालियाँ खोदी गई थी, उनको सीता कहा जाता था। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ इम्पॉर्टेंट गॉड्स ऑफ द वैदिक पीरियड। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह चुने। तो वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन कौन से थे? ब्रह्मा, प्रजापति, गरुड़। ऑप्शन बी शेषनाग, चंद्र, यम। ऑप्शन सी वरुण, विष्णु, शिव। या फिर ऑप्शन डी अग्नि, इंद्र, सोम। तो वैदिक काल के प्रमुख देवता जो थे वो थे अग्नि, इंद्र और सोम। इनको महत्वपूर्ण देवताओं में गिना जाता था वैदिक काल में। नेक्स्ट, वैदिक सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अलोंग द रिवर डैस। वैदिक सभ्यता डैस नदी के किनारे विकसित हुई थी। वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी सरस्वती नदी के किनारे, और सरस्वती नदी को वैदिक काल में परम पवित्र नदी के नाम से जाना गया है। परम पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा गया है। और सिंधु नदी के बारे में भी एक फैक्ट है, दैट इज सबसे अधिक उल्लेखित नदी, मतलब कि वेदों में सबसे ज़्यादा बार जिसका उल्लेख किया गया है वो है सिंधु नदी। नेक्स्ट, इन व्हाट फॉर्म वॉज ट्विलाइट यूज्ड इन द अर्ली वैदिक पीरियड। प्रारंभिक वैदिक काल में गोधूली का उपयोग किस रूप में किया जाता था? गोधूली कहा जाता है डॉन एंड डस्क के टाइम को, यानी कि ये रिलेटेड है टाइम से, समय से। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ पुराण्स। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। तो एक बार फटाफट से उन 18 पुराण को देख लेते हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण एंड ब्रह्मांड पुराण।
ये हैं 18 पुराण। तो इन पुराणों को आप एक बार फिर से अपने से पढ़ लीजिएगा। और इसमें आपका हेल्प करने के लिए हम इस शीट को हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया करेंगे, जहाँ से आप इजीली इस शीट को पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो क्लास एंड होने के बाद आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म आर्यन डिनोट्स, आर्यन शब्द का अर्थ है, मतलब कि वैदिक काल में आर्य किसको कहा जाता था? एन एथनिक ग्रुप, एक जातीय समूह, अ नोमैडिक पीपल, एक खानाबदोश मतलब कि ऐसे ही घूमने फिरने वाला, अ स्पीच ग्रुप, एक भाषण समूह, या फिर अ सुपीरियर रेस, एक श्रेष्ठ जाति। तो आर्य कहा गया है श्रेष्ठ जाति को, आर्य एक श्रेष्ठ जाति थी वैदिक काल में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग्स टू द ऋग्वेद, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है ऐतरेय ब्राह्मण, और बाकी सारे जो ऑप्शंस में ग्रंथ दिए गए हैं वो किस वेद से संबंधित है वो हम आगे देखेंगे। वेद और उनसे जुड़े ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद, ऋग्वेद से जुड़े ग्रंथ हैं ऐतरेय और कौशितकी, यजुर्वेद से जुड़े हैं तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण, सामवेद से जुड़े हैं तांड्य, षडविश, अद्भुत और जैमिनी ब्राह्मण, और अथर्ववेद से संबंधित है गोपत ब्राह्मण। नेक्स्ट, फ्रॉम द एक्सकेवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एंशंट एविडेंट ऑफ द यूज ऑफ आयरन इज फाउंड, निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई से भारत में लोहे के उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? तो लोहे के उपयोग का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिला है इंडिया में वो मिला है अतरंजी खेड़ा में, जो कि यूपी का एक जगह है। नेक्स्ट, विच थ्री वेदाज आर जॉइंटली कॉल्ड वेद त्रयी, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? प्रथम तीन वेद, इससे आप इजीली याद रख पाएंगे, प्रथम तीन वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। प्रथम तीन वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ उपनिषद, कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? कुल उपनिषद हैं 108। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वैदिक एज से रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, बट क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं वैदिक एज से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो इसी में हम लोग दो और स्लाइड्स पढ़ेंगे जिसको हम पिछले क्लास में भी देख चुके हैं, जो वेद से और वैदिक एज से ही रिलेटेड है। तो एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। इस स्लाइड में हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे। वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। इसके क्रम को भी अच्छे से याद रखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। ज़्यादा कंफ्यूज लोग बीच वाले दो वेदों में होते हैं, यजुर्वेद उसके बाद सामवेद होता है, सामवेद थर्ड नंबर पे होता है। ओके, फर्स्ट इज ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है वैदिक ऋचाओं यानी कि मंत्रों का संग्रह, और ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। हर एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे PYQs में शामिल हैं, तो इसको भी अच्छी तरीके से याद रखिएगा, और इसी वजह से हम लोग इसको फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज यजुर्वेद। यजुर्वेद में लिखे हैं यज्ञ के विधियों और मंत्रों का संकलन, जो कि गद्य और पद्य दोनों रूप में लिखे गए हैं। यजुर्वेद गद्य और पद्य के रूप में लिखे गए हैं, जिसमें क्या लिखा है? यज्ञ के विधियों यानी कि नियमों और मंत्रों का संकलन, और यजुर्वेद पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। सामवेद, सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान, जो गान से रिलेटेड है यानी कि गीतों से रिलेटेड है, और इसमें लिखा है यज्ञानुष्ठान में गाए जाने वाले मंत्र, मतलब यज्ञ में गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है सामवेद में। सामवेद पढ़ने वाले को उद्रात्री कहा जाता है, और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत में जो सारेगामापा है वो सामवेद से ही लिया गया है। नेक्स्ट इज अथर्ववेद। अथर्ववेद में है देवताओं की स्तुति, चिकित्सा, विज्ञान, दर्शन के मंत्र, मतलब कि आम आदमियों के जीवन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो अथर्ववेद में लिखे गए हैं, और इसमें जादू टोना, ब्लैक मैजिक, इनके बारे में भी लिखा गया है अथर्ववेद में, और अथर्ववेद पढ़ने वाले को ब्राह्मण कहा जाता है। नेक्स्ट, और इस स्लाइड में हम देखेंगे ऋग्वेद के बारे में थोड़ा डिटेल में। ऋग्वेद के प्रथम मंडल की रचना अनेक ऋषि ने की है। ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उनके बारे में कुछ फैक्ट्स जो इम्पॉर्टेंट हैं।
ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की है। और तीसरे मंडल में क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है। तो कभी कभी डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि गायत्री मंत्र किसने लिखा है, इसका भी आंसर होगा विश्वामित्र। नेक्स्ट इज आठवें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं, हाथ से लिखे हुए मंत्र, ऋचा मतलब मंत्र, और इसको खिल कहा जाता है इन मंत्रों को। नौवें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, इट इज़ ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट। दसवें मंडल में पुरुष सूक्त वर्णित है। पुरुष सूक्त में क्या है, जिसमें समाज के चार वर्णों का उल्लेख मिलता है। चार वर्ण कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें से ब्राह्मण को माना जाता है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से हुई थी, क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा के भुजाओं से हुई थी, वैश्य की उत्पत्ति उनके जांघों से हुई थी और शूद्र की उत्पत्ति उनके पैरों से हुई थी, जो समाज में उनकी स्थिति को भी बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाते हैं। जैसे कि ब्राह्मणों को उस काल में सर्वश्रेष्ठ ही माना जाता था और शूद्र को सबसे लीस्ट स्तर पर रखा जाता था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आज का सेशन एंड होता है, और ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा और आपको इससे हेल्प मिला या नहीं, और हमारे साथ पढ़ने में भी मज़ा आया कि नहीं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आगे हम इसी तरह से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।